सो 7 डेज 7 बैंड इन राइटिंग। सो अज के दिन तो असं शुरू कर जा रहे हैं प्रोपर सीरीज़ वीडियोज़ की जी कि टास्क टू के उत्ते आऊगी। 7 डेज़ के असी सत्ते के सत्ते टॉपिक्स जो टास्क टू के आते हैं प्रोपर डिटेल दे डिस्कस करांगे। तो एक चीज़ की मैं गरंटी कहना वा भी जे किसी बच्चे ने इस तरीके दे नाल अपनी आयल्स दे विच टास्क टू लिखना शुरू करता उहदे 7+ बैंड की आप गरंटी लैंदे हां, क्योंकि इन्हां वीडियोज़ विच मैं प्रोपर IDP की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ डिटेल च दसूंगा। सो जे कोई बच्चा सीरीयस आ आयल्स नूं लैके आयल्स राइटिंग नूं लैके तो ये जिहड़ी अपनी सीरीज आ तुसीं प्रोपर लाइन वाइज देख लियो तो अपने बैंड लै जाओ। तो मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो कि थोड़ू वीडियोज़ का रिस्पोंस कैसा लगा। सो चैनल सबसक्राइब कर दो, वीडियो में लाइक तो शेयर कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी थोड़ा नोटिफिकेशन थोड़े तक आ सके। सो मिलते हैं वीडियो के। सो डे नंबर 1st के आप जो टॉपिक डिस्कस कर जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़े सामने आ, तो यदा जो टाइप आ वह हैगा डिस्कस बोथ व्यू। ठीक है, अज का जरा डिस्कस बोथ व्यू आ, कल आप देखा कि करा बट लगातार रेगूलर वीडियोज़ होने 7 दिन, तो 7 दिन जो तुम इस तरीके राइटिंग करोगे तो 100% गरंटी के थोड़े 7 बैंड तक आप लैके जावे टास्क टू के। ठीक है, टास्क 1 से भी आनगियाँ, पहला टास्क 1-2 कवर करा। सो पहला टॉपिक देखो, सम पीपल थिंक दैट विजिटिंग म्यूजियम इज़ द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हिस्ट्री। कहिंदा भी कुछ लोग की सोचते आ भी म्यूजियम दे विच विजिट करना एक बेस्ट वे आ चिल्ड्रन वास्ते, कादे वास्ते, टू लर्न द हिस्ट्री, हिस्ट्री लर्न करने वास्ते। वाइल अदर्स बिलीव दैट देयर आर अदर्स अदर बैटर वे, पर कुछ लोग ये सोचते हैं भी होर भी कई वेज हैगे आ, म्यूजियम ही कला वे नहीं गा हिस्ट्री लर्न करने वास्ते, होर भी काफ़ी वे आ। ठीक है, सो डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपीनियन। सो ये आप दोनों व्यूज़ नू डिस्कस करना वा, कहने का मतलब पहले BP के आप दसना वा भी जे विजिट करे तो उन्होंने की फायदा वा म्यूजियम का, तो दूजे BP आप दसना भी होर किहड़े ऑप्शन ने, होर किहड़े वेज ने जिहदे नाल हिस्ट्री बारे जाण सकदे आ। ठीक है, हुण जिवें मैं है काफ़ी बच्चों हमेशा ही अपनी वीडियोज़ के कहना थोड़ी भी यह गलती सी अज जनरल लाइन जी पाई उत्ते, जनरल लाइन इंट्रो जी कदें भी नहीं पाउनी। इंट्रो कैसे स्टार्ट करनी, एक मैं चीज़ तुहानू दसदा, बहुत सारे लगभग 60-70% ऐसे अपने ना सम पीपल तो शुरू हो जाते हैं। सो सम पीपल लिए तुसीं अपने माइंड दे विच एक वर्ड रखना, ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल, ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल लिखना, लिख लो जिन्हें। ठीक है, इस पहला आप इंट्रो लिखा। ठीक है, ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल थिंक दैट। ठीक है, हूँ आप लिखता हूँ की सोचते आओ भी विजिटिंग म्यूजियम इज़ द बेस्ट वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हिस्ट्री। देखो पैराफ्रेजिंग का मतलब यह नहीं होंदा हर एक सिंगल वर्ड में तुसी पैराफ्रेज कर लग जाओ, पैराफ्रेजिंग का मतलब है चाहे तुसी एक दो वर्ड भी पैराफ्रेज करते तो दैट्स इनफ आ थोड़ी इंट्रो वास्ते। हूँ मेरा ज़्यादातर तरीका की है, मैं पिछे वाली चीज़ अगे ले आना ना अगे वाले पिछे। ठीक है, हूँ आप म्यूजियम बारे गल हो रही है, सो ये आप कर सकते हैं ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल थिंक दैट म्यूजियम इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर किड्स to get knowledge about history। जमा सिंपल रखो, बिल्कुल सिंपल रखो, 1-to-1 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, बट सिंपल होनी चाहिए है जी, एग्जामिनर नू पहली सट्टे ही समझ लग जाए। हुण इस दा बेस्ट वे होनी दे विच की आ, बेस्ट नू मैं बेस्ट रहन ता ऑप्शन दी थां ते मैं वे करता, चिल्ड्रन दी थां ते मैं किड लिखता, लर्न हिस्ट्री नू टू गैट द नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, कहना मतलब अगले नू चीज़ जल्दी समझ आवे सिंपल। IDP भी यही कहती है राइटिंग का की मतलब है ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी चीज़ों यूज़ करो, बड़े बड़े वर्ड यूज़ करने की कोई लोड़ नहीं। ठीक है, उस तो बाद वाइल अदर बिलीव दैट देयर आर अदर बैटर वेज, हूँ इन नॉर्मल कुछ भी लिख दो, वाइल ऑन द अदर हैंड सम पीपल की कहते हैं बिलीव दैट देयर आर अदर बैटर वे, people opines that children
कैन लर्न हिस्ट्री फ्रॉम अदर सोर्सेस। बस ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਈਲ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਅਵਾਇੰਸ ਡੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਬੈਟਰ ਵੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ BP1 BP2 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਰ ਦ ਬੈਟਰ ਵੇ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਲਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੈਟਰ ਵੇਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਲਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਜਾਊਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ IDP ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BP 1st। ਹੁਣ BP 1st ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕਲਪਚਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਹੁਣ BP ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, BP ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਬੀਗਨ ਵਿਦ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋਰਮਲ BP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਜ ਏ good option to learn history is because it
रिप्रेजेंट हिस्टोरिक प्रोडक्ट इन विजुअल्स एंड ऑडियो. इट रिप्रेजेंट्स द हिस्टोरिक प्रोडक्ट्स इन विजुअल्स एंड ऑडियो. ठीक है, जो हिस्टोरिक प्रोडक्ट होंगे द इनफॉर्मेशन. इट रिप्रेजेंट द इनफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोडक्ट इन विजुअल एंड ऑडियो. ओके, इनफॉर्मेशन हूँ कंप्लीट लाइन हुई. सो ये चीज आप मैं पहले ही दस दी हूँ, इन एक्सप्लेन कैसे करना नॉर्मल, जस्ट टू एक्सप्लेन इट नहीं लाना इस तो बाद. सो नॉर्मल लिखो, दिस मीनस डैट, दिस मीनस डैट हूँ आप लिख सकते हैं, दिस मीन दैट मेजोरिटी ऑफ म्यूजियम्स डिस्प्ले द आर्टिफैक्ट्स इन अ अट्रैक्टिव वे, इन अ अट्रैक्टिव वे विच नॉट ओनली प्रोवाइड, सॉरी नॉट ओनली प्रोवाइड्स इट्स इंफॉर्मेशन इन विजुअल्स बट ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑडियो भी लिखना आप, बट ऑल्सो एग्जिबिट्स, ऑल्सो एग्जिबिट्स रुको ठीक है वैसे, बट ऑल्सो एग्जिबिट्स इट्स ऑडियो graphies for the jade utthe visitors. Okay, so kehnda matlab apa normal likhna, hun main koi yaad nahi kita hoya, jo mere mind ch aayi na main utthe likh lena. Theek hai, just point socha, point mera visual te si, visual nu main ave likhta ve attractive way de vich, audio nu main likhta ve audiography ide layi visitors layi. ठीक है, हूँ तो रिजल्ट की निकलता, रिजल्ट यह निकलता भी ये की हो जाता सीखना जरा होर की हो जाता इंट्रस्टिंग हो जाता बच्चों वास्ते स्पैशल, हूँ यह रिजल्ट यह निकलिया. सो दिस रिजल्ट दैट चिल्ड्रन कैन लर्न द हिस्ट्री ईजली and in more interesting way, in more interesting way. बिल्कुल सिंपल लिखना चीज़ा, हूँ तो एक एग्जाम्पल पावे नॉर्मल, जो एग्जाम्पल कोई भी पा दो. फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ होर, मैं कनैक्टर बहुत घट पाए, बच्चे स्टार्टिंग लग के 10-15 कनैक्टर पा देंगे, वह भी गलत चीज़ आ. कनैक्टर मेरा इतने आया फॉर एग्जाम्पल, हूँ एवें का ही कोई एग्जाम्पल पाना पेगा आप नॉर्मल जहा. ए म्यूजियम इन दिल्ली रिप्रेजेंट अ ओल्ड इक्विपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, old equipment of agriculture which is a which becomes a attraction point
फॉर ऑल विजिटर्स। ओके, सो नॉर्मल जो एग्जाम्पल पाता नॉर्मल जी आप मेन पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल जी उसका रिजल्ट तो एग्जाम्पल बाकी आप जमा सिंपली कोई भी मैं कोई वर्ड एवं यूज नहीं किया जोड़ा कि थोड़ा पता ना हो एवें आप एक पूरे बीपी की फॉर्मेशन होंगी है बिल्कुल ईजी तरीके उवें सेम वे मैं थोड़ा मोटा मोटा ही दसूँगा बीपी सैकेंड क्योंकि वो तुम्हें अद्धा कप ही करना बाकी मैं थोड़ा दस दिना वा भी की आ सकता ठीक है क्योंकि जे आप एवें लिखा तो बहुत वड्डी वीडियोज़ बन जूगियाँ भी आप दूसरिया भी कंप्लीट कर रही हूँ देखो सैकेंड बीपी के आप लिखनी होर कि वेज आ सो होर वेज के लिख सकते हो बीपी स्टार्ट कैसे करना बीपी इतने तुम अपना कनैक्टर पा सकते हो ऑन द अदर हैंड लेके ऑन द अदर हैंड ठीक है बुक्स एंड सोशल वैबसाइट कैन also be proved beneficial to get the information about past okay meri writing thodi ji aave di but thonu samajh aaugi ji can be proved beneficial e wali cheezan tusi apne mind ch rakhni hai ve jadon vi main kisi ji fayde di gal karni hai can be proved beneficial मोबाइल कैन बी प्रूवड बेनीफिशियल फॉर द चिल्ड्रन इन द वे ऑफ एजुकेशन जे मोबाइल फोन कैन बी प्रूवड डिस्ट्रक्टिव फॉर द चिल्ड्रन इन द वे ऑफ इन द टर्म्स ऑफ इट इफ इंपैक्ट ऑन देयर हैल्थ ओके सो एवें तुसी अपना बीपी स्टार्ट किया हुण तुसी आपे दस दो ये एक्सप्लेनेशन की लिखांगे नॉर्मल लिखांगे कि बुक्स के जिहड़ी इनफॉर्मेशन होंदी आ वो ज़्यादा वाइड रेंज की होंदी आ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿਲਾਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਸੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਬੈਂਡ 7 ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਸ ਲਿਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਡ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਨਟ ਸ਼ੈਲ ਇਨ ਸਮਰੀ ਟੂ ਰੈਚੂਕਲੇਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਵਰਡ ਆਪਣੀ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜੋ ਬੀਪੀ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੀਪੀ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਦੋ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਲਦੋ The museum provide the knowledge of history in interesting way by displaying artifacts. But books and social
platforms are more convenient and time saver platforms. Sorry, time saver options लिख सकते या ways लिख सकते. सो ये थोड़ा कंक्लूजन दोनों का, ठीक है. हालांकि म्यूजियम एक वधिया प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सॉरी नॉलेज प्रोवाइड करवाता वा बाय डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट्स, बट जी बुक्स आ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ वो भी की है ज़्यादा टाइम सेवर तो ज़्यादा कन्वीनियंट है. कितने भी बह के बुक्स तो मोबाइल फोन तो अपनी हिस्ट्री बारे नॉलेज लै सक. बड़ा सौखा तरीका, बड़े सौखे तरीके ऐसे होंगे या ज़्यादा टेंशन लैन की कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर बनाने की लड़ नहीं होंगी बाली, ठीक है. नॉर्मल रखो, सिंपल तरीके रखो. सैवन बैंड मैं थोड़ू इतने बोर्ड पर भी लेके दे रहे हैं आने, बट जो तुम इस तरीके करोगे फिर आने, ठीक है. ऐसे तरीके दे नाल ही अपनी वीडियोज़ कल परसों थोड़ा डेली मिलनगिया, ठीक है. सैवन डे सैवन बैंड, बस ये 7 दिन साढ़े दे नाल लगे रहो, थोड़ा सैवन बैंड लैके आऊँगा. हर एक टाइप के ऐसे से थोड़िया वीडियोज़ आनंद शुरू हो गया. बाकी जो वीडियो वधिया लगी हो चैनल में सबसक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो. मिलते हैं कल की वीडियो.